नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खेरली अलवर कस्बा अंतर्गत 133 केवी पावर हाउस में कार्यरत दो कर्मचारियों को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि परिवादी राहुल यादव निवासी सहजपुरा ने विभाग को शिकायत दी कि जयपुर डिस्कॉम पावर हाउस खेरली में कार्यरत तकनीकी सहायक ग्रेड द्वितीय फीडर प्रभारी केशव देव जाटव एवं तकनीकी सहायक ग्रेड द्वितीय प्रमोद कुमार बैरवा दिनांक 18 जनवरी 2022 को उसके घर पर लगे विद्युत कनेक्शन की फोटो खींच कर ले गए और उसके विरुद्ध वीसीआर भरने की धमकी देने लगे। परिवादी ने वीसीआर नहीं भरने को लेकर 5000 की रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई, जिसका सत्यापन 24 जनवरी को कराया गया, जिसमें मामला सत्यापित होने पर मंगलवार को आरोपी केशव देव एवं प्रमोद कुमार को 5000 परिवादी द्वारा भेजे गए, जिसे आरोपियों ने लेकर 500 परिवादी के अनुनय परिवादी को वापस लौटा दिए। रिश्वत राशि दोनों आरोपियों ने कार्यालय के बाहर सड़क पर ली। मौके पर उपस्थित टीम ने तुरंत दोनों आरोपियों को राशि सहित पकड़ लिया और पकड़कर कार्यालय में लेकर आए और कार्रवाई की। कार्यालय में मामले से संबंधित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की। मामले में जांच करने पर केशव देव जाटव पुत्र राम सिंह जाटव निवासी बड़ा मोहल्ला भुसावर एवं प्रमोद बैरवा पुत्र कपूर चंद बैरवा निवासी वार्ड नंबर 19 खेरली को दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच होने पर अन्य आरोपियों का भी पता चल सकता है। कार्रवाई टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में डीएसपी महेंद्र कुमार एवं पुलिस निरीक्षक प्रेम चंद्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम रहे। राहुल यादव जो कि पुलिस थाना खेड़ली में गांव सहजपुरा है वहां का रहने वाला है जी, उसने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दी कि सहायक अभियंता कार्यालय के टेक्निकल हेल्पर केशव देव और प्रमोद कुमार जी दोनों वीसीआर नहीं भरने की एवज में 5000 रुपए की रिश्वत राशि मांग रहे हैं। इस शिकायत का हमने कल दिनांक 24 को सत्यापन कराया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमने ट्रैप कार्रवाई आयोजित की। ट्रैप कार्रवाई के दौरान केशव देव जो कि टेक्निकल हेल्पर है और फीडर प्रभारी भी है खेड़ली में, उसने परिवादी से 5000 रुपए लिए। दोनों ही मौके पर थे। प्रमोद कुमार ने केशव देव को दिलवाए और उसी समय जैसे इन्होंने रिश्वत राशि प्राप्त की परिवादी से, हमने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। इन्होंने परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर 5000 में से 500 रुपए रिश्वत राशि वापस दी और जिसमें वो 500 रुपए वापस दिए वो भी बरामद हो गए और 4500 रुपए थे वो भी बरामद हो गए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।